हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज की। और स्टूडेंट्स, इसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज हम इस चैप्टर में जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो आज हम इसमें जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो टॉपिक क्या होगा? टाइप्स ऑफ कंपनीज। लेकिन इससे पहले भी एक टॉपिक बचता है हमारा, ठीक है? हमारा जो टॉपिक कल चल रहा था वो टॉपिक था डीमेरिट्स ऑफ ए कंपनी, और मेरे हिसाब से मैंने उसमें फिफ्थ पॉइंट तक कवर किया था, ठीक है? तो सबसे पहले हम वही टॉपिक लेंगे, डीमेरिट्स ऑफ ए कंपनी। ओके, डीमेरिट्स ऑफ ए कंपनी में मैंने जो टॉपिक कवर की, जो हेडिंग कवर की थी वो मैंने कवर की थी 5 पॉइंट्स तक, ठीक है? अब मैं 6 पॉइंट कवर करूंगा, ठीक है? 6 डीमेरिट्स है, ओलिग्राफिक और गार्की मैनेजमेंट बोल सकते हैं इसे। ऑलिगार्की मैनेजमेंट है ना, इसे पनीगर क्या कहा गया? ये कंपनी की क्या चल रही है? डीमेरिट। वी से दैट देयर इज अ डेमोक्रेटिक सेटअप इन द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये कहा गया था कि कंपनी में डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, कि कंपनी में जो डिसीजन लिया जाता है वो शेयर होल्डर्स के द्वारा सेलेक्ट किए गए डायरेक्टर्स के द्वारा लिया जाता है, और वो डायरेक्टर सभी शेयर होल्डर के बारे में सोचकर चलते हैं, ये कहा गया था। तो हमने ये कहा था कि कंपनी का एक डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, बट दिस डेमोक्रेटिक सेटअप एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर। लेकिन ये जो कहा गया है कि डेमोक्रेटिक सेटअप है, ये केवल पेपर तक ही सीमित है। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या बताया था? देखिए, कंपनी में लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, वो खुद बिजनेस नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, सभी बैठकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सिलेक्शन कर लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डायरेक्टर्स होते हैं जिनके द्वारा कंपनी चलाई जाती है, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सभी शेयर होल्डर्स के बारे में सोचकर चलते हैं। ये डेमोक्रेटिक सेटअप था, तो सभी शेयर होल्डर के बारे में सोचकर चला जा रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है ये केवल एक पेपर तक ही सीमित है। इन द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस में कंपनी इज इन द हैंड्स एंड कंट्रोल ऑफ ए फ्यू पीपल। जो कंपनी होगी वो केवल कुछ ही लोगों के हाथ में होगी, और वो कुछ लोग कौन होंगे? डायरेक्टर्स। कौन होंगे? डायरेक्टर्स। समझ में आ गई? तो जो कंपनी में ये कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक सेटअप है ये केवल पेपर तक सीमित है, यदि प्रैक्टिकल में देखें तो कंपनी का जो पूरा कंट्रोल होगा वो क्या होगा? वो केवल कुछ ही हाथों में होगा। कौन होंगे वे पीपल्स? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द कंपनी। डायरेक्टर्स का कंपनी पर क्या होता है? पूरा कंट्रोल होता है। इतनी बात समझ में आ गई? These people take all the decision. ये सभी, ये peoples जो decision लेते हैं केवल अपने, underline कर लीजिए, personal interest को सोच कर लेते हैं। ये सभी decision किसको सोच कर लेते हैं? Personal interest को सोच कर लेते हैं, और वो shareholder के interest को ignore कर देते हैं। तो ये demerits बताई गई है। वैसे तो कंपनी क्या कही जाती है? Democratic setup है, लेकिन वो democratic setup कहां तक सीमित है? Paper तक। जो कंपनी की सारी पावर होती है वो केवल किसके हाथ में होगी? डायरेक्टर्स। केवल कुछ ही लोगों के हाथ में होगी, होंगे डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर्स केवल अपने बारे में काम करते हैं, अपने बारे में सोचकर काम करते हैं, वो शेयर होल्डर के बारे में सोचकर काम नहीं करते। तो ओलिगार्की मैनेजमेंट का ये मतलब है कि सारी पावर किसके हाथ में होगी, और डायरेक्टर केवल अपने बारे में सोचकर चलते हैं, वो शेयर होल्डर के बारे में सोचकर। और वैसे कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक सेटअप है तो डायरेक्टर शेयर होल्डर के बारे में सोचकर चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा कौन? डायरेक्टर केवल किसके बारे में सोचकर चलेंगे? अपने बारे में। ये प्रॉब्लम है। समझ गए? क्लियर है बात आपकी? नेक्स्ट बताया गया है अनहेल्दी स्पेकुलेशन। सेवेंथ क्या डीमेरिट्स है कंपनी की? अनहेल्दी स्पेकुलेशन। तो ये नेक्स्ट डिमेरिट्स है, अनहेल्दी स्पेकुलेशन। जी देखिए, जो अब पढ़िएगा इसमें, स्पेकुलेशन मीन्स अनहेल्दी इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ शेयर। क्या मतलब है स्पेकुलेशन का? कि अनहेल्दी यानी गलत तरीके से शेयर्स के प्राइस को इंक्रीज करना, बढ़ा देना या घटा देना। समझ गए? तो स्पेकुलेशन का मतलब क्या है? कि गलत तरीके से कंपनी के शेयर के प्राइस को घटा देना और बढ़ा देना। ठीक है, पढ़िएगा।
इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी में डायरेक्टर्स मेक प्रॉफिट, जो डायरेक्टर्स होते हैं वो प्रॉफिट अर्न करेंगे बाय शेयर के प्राइस को घटाकर और बढ़ाकर। समझ गए? पहले एक बात बताओ, स्पेकुलेशन का मतलब शेयर का प्राइस गलत, अनहेल्दी का मतलब गलत तरीके से घटाना और बढ़ाना। जो डायरेक्टर होंगे ना वो शेयर के प्राइस को ऐसे इस तरह से घटाएंगे बढ़ाएंगे ताकि उनको क्या हो, प्रॉफिट हो। किसको होगा वो प्रॉफिट? ठीक, बहुत अच्छे। डायरेक्टर्स नो ऑल द इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर्स को सारी इंफॉर्मेशन पता होगी अबाउट द फंक्शन की कंपनी किस तरह से फंक्शन का मतलब वर्क करती है। ठीक है, फंक्शन का मतलब ठीक, डायरेक्टर्स को ये सभी जानकारी होगी कि कंपनी किस तरह से वर्क कर रही है। दे मेक यूज, वो इस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे क्या करने के लिए, शेयर के प्राइस को राइज का मतलब बढ़ाने के लिए, और फॉल का मतलब उस इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे ताकि शेयर का प्राइस घट जाए और बढ़ जाए। ठीक है, अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से वो शेयर्स को बाय का मतलब खरीदेंगे और बेचेंगे ताकि उन्हें प्रॉफिट हो। तो इस कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि इस गलत तरीके से शेयर के प्राइस को घटाना और बढ़ाना। जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में उन्हें सारी बात पता होगी, कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन होगी, उस इंफॉर्मेशन का यूज करके वो शेयर के प्राइस को घटा देंगे और बढ़ा देंगे और उस हिसाब से शेयर को खरीदकर और बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। जब बेचेंगे तो ऐसा इस तरह से कर देंगे शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, बढ़ते ही ज्यादा प्राइस में शेयर बिकेगा, और बाय का मतलब जब खरीदना है तो इस तरह से कर देंगे कि शेयर का प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाएगा, तो कम में खरीद लेंगे, प्रॉफिट होगा। समझ गए? तो ये काम कौन करेगा? डायरेक्टर्स करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलिएगा। अब लास्ट बस इतने पॉइंट से पढ़ लीजिएगा, बहुत है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कंपनीज। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? टाइप्स ऑफ कंपनी। देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ कंपनी थ्री टाइप्स की बताई गई है। एक तो बताई गई प्राइवेट कंपनी, क्या बताई गई? प्राइवेट कंपनी। ठीक, एक बताई गई पब्लिक कंपनी, ओके, और एक बताई गई है वन मैन कंपनी। समझ गए? एक बताई गई कि आपकी प्राइवेट कंपनी, एक बताई गई आपकी, इसे वन पर्सन लिखिएगा, वन पर्सन ओपीसी, शॉर्ट में से वन पर्सन बोलते हैं, वन पर्सन कंपनी। ओके, स्टार्ट करें अब। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये, मैंने ट्वेल्थ की बुक है उसमें आपके जैसे ही दिया गया है बिल्कुल, तो वहां से मैं कवर कर रहा हूँ, आपकी बुक में वही है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर है टॉपिक टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी के कितने टाइप बताए गए? थ्री टाइप। फर्स्ट इज प्राइवेट कंपनी, सेकंड इज पब्लिक कंपनी, एंड थर्ड इज वन पर्सन कंपनी। स्टार्ट। ठीक, सबसे पहले देखिएगा प्राइवेट कंपनी क्या होती है। एज पर द सेक्शन टू, सेक्शन जो कंपनीज एक्ट है ना 2013, अंडरलाइन कर लीजिए, कंपनीज एक्ट 2013 क्या, तो कंपनीज एक्ट आपकी पुरानी बुक है, पुरानी बुक में थोड़ा सा चेंज मिलेगा। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 और सब सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 और सब सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग एक प्राइवेट कंपनी का मतलब है रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। प्राइवेट कंपनी वो होगी जो रेस्ट्रिक्शन लगा देगी कि उसके मेंबर अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैंने ये डेफिनेट उसमें भी बताया था कि पब्लिक कंपनी में जो शेयर होल्डर होंगे वो अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफर का मतलब बेच सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में जो शेयर होल्डर या मेंबर होंगे वो अपने शेयर नहीं बेच सकते। तो प्राइवेट कंपनी वो होगी जो रेस्ट्रिक्शन लगा देगी राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर कि उस जो शेयर होल्डर होंगे किसके, प्राइवेट कंपनी के, वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। पहला पॉइंट क्लियर है? तो प्राइवेट कंपनी वो होगी जिसके मेंबर या शेयर होल्डर अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन का मतलब नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट सेकेंड, लिमिट द नंबर ऑफ, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम 200 मेंबर्स होंगे।
सेकंड प्राइवेट कंपनी वो होगी जिसमें मिनिमम 2 मेंबर होंगे, और यहां पर लिमिट द नंबर ऑफ मिनिमम 2 कितने दिए गए आपके, मिनिमम 2 दिए गए, मैक्सिमम 200 दे रखे हैं, मैक्सिमम कितने होंगे यहां पर 200, क्लियर है बात आपके। तो यहां पर ये बताया गया है कि मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम यहां पर 200 मेंबर्स होंगे, क्लियर। तो पहला पॉइंट तो क्या था कि प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स है अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट बताया गया कि मिनिमम 2 मेंबर होंगे और मैक्सिमम 200 होंगे, ओके। थर्ड, प्रोहिबिट एनी इनविटेशन टू द पब्लिक। यहां पर प्राइवेट कंपनी में पब्लिक को कोई इनविटेशन नहीं दिया जाएगा कि वो आए और सब्सक्राइब का मतलब खरीदें, सब्सक्राइब का मतलब खरीदें, फॉर एनी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब शेयर, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी में पब्लिक को इनविटेशन नहीं दिया जाएगा, रोक होगी, प्रोहिबिट का मतलब रोकना, रोक होगी कि पब्लिक को इनविटेशन नहीं देंगे कि वो आए और कंपनी के शेयर और डिबेंचर को खरीदे, समझ गए। तो अगर ये 3 पॉइंट कवर हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो एक प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन जो दी गई कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग दी गई, किसके अकॉर्डिंग दी गई, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग दी गई, और बताया गया कि एक प्राइवेट कंपनी वो होगी जो कि रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर, जहां पर उस कंपनी के शेयर होल्डर शेयर को ट्रांसफर नहीं करेंगे, ओके। सेकंड, मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम, ओके। प्रोहिबिट, आप यहां पर पब्लिक को कोई इनविटेशन नहीं देंगे कि वो आए और कंपनी के शेयर और डिबेंचर को खरीदे, क्लियर। अगर ये तीनों कंडीशन, ये तीनों कंडीशन है तो आप क्या कहेंगे कि वो एक प्राइवेट कंपनी है। आपकी बुक में एक लाइन नहीं दी है लेकिन मैं एक लाइन अपनी तरफ से आपको बताऊंगा। नेम ऑफ एवरी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा, प्राइवेट कंपनी के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स लिखा मिलेगा, तो उसे हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं, ओके, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है जी पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट क्या है, पब्लिक कंपनी। एज पर द सेक्शन 2, देखो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 और सब सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 और सब सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग एक पब्लिक कंपनी का मतलब है जो कि एक प्राइवेट कंपनी नहीं है जी। पहली बात, कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग दी गई, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 और सब सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग दी गई कि एक पब्लिक कंपनी का मतलब है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, समझ गए, जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, समझ गए, ठीक। अब एक पब्लिक कंपनी वो होगी, अब एक पब्लिक कंपनी वो होगी जो कि तीन, अगर ये 3 पॉइंट्स बताए गए हैं, ये 3 पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रही है तो वो क्या होगी, पब्लिक कंपनी, दे रखे हैं तीनों पॉइंट्स। फर्स्ट, मिनिमम 7 मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, समझ गए। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सेकंड, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, सिक्योरिटी का मतलब शेयर को ट्रांसफर करने की, यानी शेयर होल्डर आसानी से अपने शेयर को ट्रांसफर, प्राइवेट कंपनी में क्या थी रेस्ट्रिक्शन, वहां कर नहीं सकते थे। तो यहां पे मिनिमम तो 7 मेंबर्स बताए गए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। सेकंड, शेयर को ट्रांसफर करने की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। थर्ड, नो प्रोहिबिट टू इनवाइट, ठीक है ना, नो प्रोहिबिट टू इनवाइट, उसके बाद जर्नल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटी, यहां पर पब्लिक को इनवाइट करने के लिए कोई रोक नहीं होगी। प्रोहिबिट का मतलब रोक और नो का मतलब नहीं, तो जर्नल पब्लिक को इनवाइट करने की कोई रोक नहीं होगी। आज पब्लिक को इनवाइट किया जाएगा कि आप आए और कंपनी के शेयर और डिबेंचर्स को खरीदें, तीनों उल्टे पॉइंट हैं, ठीक है।
क्लियर हो गई बात। तो इसे हम कहेंगे कि वो एक पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन दी गई है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 271 के अकॉर्डिंग कि एक पब्लिक कंपनी वो होगी जो कि एक प्राइवेट कंपनी नहीं हो, ठीक है ना। तो पब्लिक कंपनी वो होगी जो एक प्राइवेट कंपनी नहीं है और तीन पॉइंट सेटिस्फाई करती हो, मिनिमम 7 मेंबर हो, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, ठीक है। सेकंड, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, शेयर होल्डर अपने शेयर को आसानी से ट्रांसफर। थर्ड, कोई रोक नहीं होगी, आप पब्लिक को इनवाइट करेंगे कि आए और कंपनी के शेयर और डिबेंचर खरीद। बस प्राइवेट और पब्लिक में पहला पॉइंट का डिफरेंस है। प्राइवेट में मिनिमम कितने मेंबर, 2 और मैक्सिमम 200। बस ये है वहां पर, मतलब थोड़ा सा चेंज है और सब वही पॉइंट बताए गए, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, पब्लिक कंपनी। मेरे हिसाब से क्लियर है ये। जब अगर आपसे प्राइवेट और पब्लिक का मीनिंग पूछा जाए, इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाइए जी। नेक्स्ट यहां पर एक ओपी क्या है, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। इसके लिए बस एक सिंपल पॉइंट याद कर ले और ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एन ओपीसी मीन्स, आ जाइए, लिखा है एन ओपीसी मीन्स ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मिल गया। एन ओपीसी मीन्स, ओपीसी का मतलब है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें केवल एक पर्सन ही मेंबर होगा, यानी एक ही मेंबर होगा, ठीक है। तो सर क्या कहेंगे, वन पर्सन कंपनी। तो वन पर्सन कंपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी जिसमें कि एक पर्सन ही क्या होगा, मेंबर होगा। समझ में आ गई बात, ठीक। इसके बाद आगे आ जाइए, बस अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट, क्लियर हो गया, बस ओपीसी में इतना ही पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में होगा द बेनिफिट, प्रिविलेज और बेनिफिट ऑफ ए प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी। मिल गया, यानी सुनो टॉपिक क्या है, प्राइवेट कंपनी को क्या बेनिफिट है पब्लिक कंपनी के कंपेयर में, यानी प्राइवेट कंपनी को ज्यादा बेनिफिट होंगे किससे, पब्लिक कंपनी से। उन बेनिफिट की लिस्ट बताई गई है कि ये वो बेनिफिट होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा, बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी। ओके, चलिए स्टार्ट कीजिए। टॉपिक समझ में आ रहा है, क्या है ये, किसको बेनिफिट होगा, प्राइवेट कंपनी को, किसके कंपेयर में, यानी प्राइवेट कंपनी को ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक। स्टार्ट करते हैं, चलिए पढ़िएगा। फर्स्ट पॉइंट, ए प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म विद ओनली 2 मेंबर्स। एक प्राइवेट कंपनी कितने मेंबर के साथ बनाई जा सकती है, 2 मेंबर्स, जबकि जो पब्लिक कंपनी है वहां पर कम से कम 7 मेंबर चाहिए, 7 मेंबर चाहिए। तो प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कम मेंबर चाहिए और पब्लिक के लिए, हो गया पब्लिक को एडवांटेज, प्राइवेट को एडवांटेज। प्राइवेट में 2 मेंबर होने चाहिए और पब्लिक में 7 मेंबर होने चाहिए, फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड, प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर। प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए, 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होंगे जबकि पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर्स होंगे, समझ गए। कहां कम है, प्राइवेट में चाहिए 2 और पब्लिक में चाहिए 3। तो प्राइवेट का फायदा है कि प्राइवेट में 1 डायरेक्टर कम चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट से। तो प्राइवेट में 2 डायरेक्टर्स हो गए और पब्लिक में 3 डायरेक्टर्स हो गए। नेक्स्ट, थर्ड, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ए प्राइवेट कंपनी टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर। इंडेक्स का मतलब जैसे तुम्हारी कॉपी का आगे इंडेक्स होता है ना, उसमें आप लिस्ट भरते हैं, ठीक। तो प्राइवेट कंपनी के केस में मेंबर्स की इंडेक्स भरनी जरूरी नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए मेंबर्स की इंडेक्स तैयार करना जरूरी है। इतनी बात समझ में आ गई। तो कहां पर इंडेक्स जरूरी नहीं है, प्राइवेट कंपनी में, और कहां पर इंडेक्स भरना जरूरी है, पब्लिक कंपनी में, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में तो जो मेंबर्स होंगे उनकी इंडेक्स भरना जरूरी नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी में मेंबर्स का इंडेक्स भरना जरूरी है, ठीक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है,
ए प्राइवेट कंपनी कैन इश्यू लोन. एक काम करो, पहले तीनों पॉइंट्स फोकस कर लो, फिर आगे तीन एक साथ लेकर चलेंगे. पहले पॉइंट में क्या था, प्राइवेट में कितने मेंबर, टू, और पब्लिक में थ्री. दूसरा, प्राइवेट में टू डायरेक्टर और पब्लिक में थ्री. तीसरा, प्राइवेट कंपनी में इंडेक्स मेंबर्स का इंडेक्स बनाना कंपलसरी, लेकिन पब्लिक में मेंबर्स का इंडेक्स बनाना जरूरी है. फोर्थ पॉइंट, ए प्राइवेट कंपनी कैन इश्यू लोन टू इट्स डायरेक्टर. एक प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट. प्राइवेट कंपनी में यदि प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर को लोन दे रही है तो गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन दे रही है तो गवर्नमेंट से इस चीज की परमिशन लेनी होगी. समझ गए? तो फायदा है ना प्राइवेट में. प्राइवेट में यदि प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन दे रही है तो गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेनी नहीं पड़ती, लेकिन पब्लिक कंपनी यदि अपने डायरेक्टर्स को लोन दे रही है तो क्या लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी. फिफ्थ, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ए प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी के लिए कंपल्सरी नहीं है टू होल्ड ए स्टेचुरी. स्टेचुरी को लीगल लिख लीजिए. स्टेचुरी को क्या बोलते हैं, लीगल. प्राइवेट कंपनी के लिए कोई लीगल मीटिंग करनी जरूरी नहीं है. एंड फाइल ए स्टेचुरी रिपोर्ट विद द रजिस्ट्रार. मतलब प्राइवेट कंपनी को स्टेचुरी मीटिंग करनी जरूरी नहीं है और उसकी रिपोर्ट रजिस्ट्रार के यहाँ पर सबमिट करनी जरूरी नहीं है, लेकिन ये पब्लिक कंपनी के लिए जरूरी है. तो प्राइवेट कंपनी ना तो कोई स्टेचुरी लीगल मीटिंग करेगी और ना उसकी रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा करेगी, लेकिन ऐसा कहां जरूरी है, पब्लिक कंपनी में स्टेचुरी मीटिंग भी करनी जरूरी है और उसकी रिपोर्ट भी रजिस्ट्रार को जमा करनी जरूरी है. समझ गए? सिक्स, देर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट कंपनी. एक प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, नंबर का मतलब कितने होने चाहिए, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने रख लीजिए, ठीक है ना. अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उन्हें रेमुनरेशन सैलरी कैसे देंगे, इन सब की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर कितने नंबर संख्या में रखे जाएंगे, उन्हें कैसे अपॉइंटमेंट किया जाएगा और उन्हें कैसे सैलरी दी जाएगी, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. लेकिन पब्लिक कंपनी में रेस्ट्रिक्शन है डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट पर, नंबर पर और सैलरी पर. इन पर क्या है, रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है. तो कहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर के नंबर अपॉइंटमेंट और सैलरी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. लेकिन पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर के नंबर अपॉइंटमेंट और सैलरी पर रेस्ट्रिक्शन है. समझ गए? नेक्स्ट, सेवन पॉइंट, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ए प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी के लिए जरूरी नहीं है कि वो एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करे. जी, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जिसमें कंपनी की पूरी जानकारी दी जाती है कि कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है, कंपनी की फ्यूचर परफॉर्मेंस क्या रही है और कंपनी लोगों से जो पैसा ले रही है किस उस पैसे को कहां पर यूज करेगी, उस प्रोस्पेक्टस में सारी जानकारी दी जाती है. तो प्राइवेट कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस इश्यू करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन यदि हम बात करें पब्लिक कंपनी की तो पब्लिक कंपनी के केस में प्रोस्पेक्टस इश्यू करना कंपलसरी है. समझ गए? तो कहां प्रोस्पेक्टस इश्यू करना कंपलसरी नहीं है, प्राइवेट कंपनी में, और कहां कंपलसरी है, पब्लिक कंपनी में कंपलसरी है. प्रोस्पेक्टस मतलब समझ गए, जिसमें यहां पर कंपनी में प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को इनवाइट किया जाता है, ठीक, आए कंपनी के शेयर खरीदे. नेक्स्ट, एट, प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस. प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, अंडरलाइन कर लीजिए, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद. तो प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस कब शुरू कर देगी, जब उन्हें रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा. जबकि बात करें पब्लिक कंपनी की तो पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी जब उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, कि आप अपना बिजनेस कमेंस कर सकते हैं. तो प्राइवेट कंपनी तो कब शुरू कर देगी, जब उन्हें रजिस्ट्रेशन, जैसे रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा वो प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगी. लेकिन पब्लिक कंपनी तभी स्टार्ट करेगी जब उन्हें क्या मिल जाएगा,
सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट का मतलब स्टार्ट करना। जब उन्हें बिजनेस करने का स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो ही वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, बस आज हम इस वीडियो में यही तक क्लियर करेंगे जिसमें हमने डिस्कस किया डीमेरिट्स ऑफ ए कंपनी, और उसके बाद हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ कंपनी, और उसके बाद डिस्कस किया कि प्राइवेट कंपनी को क्या बेनिफिट मिलते हैं पब्लिक कंपनी के कंपेयर में। थैंक यू।